Hello, 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 and welcome back to the Medwicket, bhai. So finally, we So are going to talk about the most grossing, the most view-catching videos. That is going to be the IPL retentions ki video, but so are going to be our predictions. But at Medwicket, you do not find things very simple. यहाँ पे कुछ ना कुछ नया we try to do every time. तुम्हें पसंद आए ना आए वो हमें मतलब नहीं है, bro. Sorry. But yeah, what we are going to do अपना is कंटेंट बनाएंगे। अगली 10 वीडियोस के लिए, जो हर एक टीम पे एक एक वीडियो आएगी, मी एंड श्रेयांश विल बी सिटिंग टुगेदर एज द फैंस ऑफ दैट टीम, चाहे हमें पसंद ना हो वो टीम, बट वी विल बी सिटिंग एज द फैंस ऑफ दोस टीम्स, एंड वी विल ट्राई टू डिसाइफर कि हम क्या उस टीम के पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे. अगर हम लोग एक बोर्ड रूम में बैठे हैं तो हम क्या सोचेंगे. श्रेयांश जहाँ पे हाईलाइट कर रहा होगा मोर ऑफ द फैक्ट अबाउट द प्लेयर, उसको कौन से प्लेयर्स पिच पे चाहिए गेम के पर्सपेक्टिव से. आई विल बी लुकिंग एट योर मनी माइंडेड एस्पेक्ट कि क्या मुझे वो प्लेयर सस्ते में कैसे मिल सकता है, चाहे रिटेंशन से, आरटीएम से, या फिर आई विल बाय हिम बैक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले जाओ लाइक कमेंट करो, एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही पहले अपने अपनी 5 प्रेडिक्शन बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या क्या. चीटिंग नहीं करना, ये नहीं वीडियो देख के बोल रहे कि हमारे भी सेम ही थे. RTM क्या होने वाला है या रिटेन कौन से होने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. एंड फॉर एनी पीपल हु स्टिल हैव अ क्वेरी कि रिटेंशन रूल क्या है, उसके ऊपर RTM क्या होता है, उस सब की एक वीडियो अलग से एक्सप्लेन वीडियो इज ऑलरेडी ऑन द चैनल. उसका लिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में अलग से हम उसका लिंक डाल देंगे. पहले वो सुनना, देन यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर. एग्जैक्टली फॉर मेकिंग दीज थिंग्स सिंपलर. आई नो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, बट स्टिल वी आर डिवाइडिंग दिस वीडियो इंटू 3 सेगमेंट्स. What do we need? What do we have? And what we are going to do? इससे हमें पता चल जाएगा कि what how a team is going to approach his or her. काव्य की दीदी की बात अलग करेंगे. खैर छोड़ो, क्या याद दिला दिया. Moving on to RCB, Kingfishers. Shreyansh, starting simply with what do we have? I think we have the biggest asset in the world out there. लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक ही रिटेन करो, बाकी सब ऑप्शन से खरीद लेंगे, RTM कर लेंगे, छोड़ देते हैं. बट साथ ही साथ आई हाईलाइट ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. वी हैव मोहम्मद सिराज. चाहे उस बंदे के T20 फॉर्म कितना ही खराब हो, IPL फॉर्म खराब हो, यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द एफर्ट दैट ही पुट्स. Exactly. At this point, RCB and Siraj have to be the next, मतलब काफी दिल का रिश्ता टाइप वाली थी चीज. हाँ भाई, true. Siraj has to be someone that first of all, A, you hope that continues to play for Team India, का playing 11. Second, you also want him to be playing in your team. So you just cannot let that type of figure, especially after him gaining so much experience on the pitch of Chinnaswamy. कहते ना, अगर तू एक आरसीबी, तो मुझे अभी बोलेगा कि सिराज के बारे में सोचूं तो सेकंड या थर्ड नेम मेरे दिमाग से आरसीबी निकलेगा यार. भाई फर्स्ट नेम श्रीलंका, सेकंड नेम आरसीबी. इंडियन श्रीलंका आरसीबी, दैट हैज टू बी अ थिंग. इंडिया के पहले श्रीलंका सोचूंगा फिर आरसीबी सोचूंगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. इंडिया कम दैट थ्री फॉर मी और सिराज, एंड देन अभी डिसाइड करेंगे कि उसको रिटेन करना है या किस प्राइस पे रिटेन करना है. वी विल डिस्कस दैट. देन लेट्स गो फॉरवर्ड टू समबडी लाइक हमारा जो रजत पाटीदार था, जो लास्ट ईयर आई थिंक काफी लोगों को लगता है कि अब इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और हमें भी लगता है एज परफॉर्मेंस वाइज कि वो नेक्स्ट हमारे लिए बिग थिंग है इन द आरसीबी सर्किट. एंड मे बी तुझे इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन आरसीबी में जनरली नहीं मिलते हैं, सो यू माइट फाइंड अ वेरी गुड आंसर एट नंबर 4, जो आरसीबी की जन्मों जन्मों से प्रॉब्लम रही है कि एबीडी को कौन रिप्लेस कि आगे कौन आएगा या उसको रिप्लेस कौन करेगा. जो भी सीइंग दैट हिज करंट फॉर्म इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड एट चिन्नास्वामी, ही वाज वेरी गुड एट चिन्नास्वामी. I think they'll be looking forward to doing something with him. I'm not saying that he'll retain. So we have Rajat Patidar. Then you have two very interesting names. One we discuss first. Glenn Maxwell. I think three interesting names. In any case, as a coach, अगर तुम मुझे बोलता है कि मुझे next year Glenn Maxwell को RCB jersey में देखना है, then you should retain him. मुझे पता है कि लॉट ऑफ पीपल माइट बी कमेंटिंग डाउन कि भाई आरसी अब ग्लेन मैक्सवेल की वो हाइप नहीं रही. लास्ट ईयर मेरे हिसाब से हम स्टार्क के बारे में भी ये डिस्कस कर रहे थे. बट पीपल लाइक दीस विल ऑब्वियसली इन्फ्लेट द मार्केट, एंड ये ऑक्शन में ज्यादा जाएंगे जाएंगे. यू आर नेवर गेटिंग अ मैक्सवेल अंडर 15 करोड़. मुझे पता है कि तुम बोल दो कि मेगा ऑक्शन है, उसके लिए कुछ नहीं करा. ही इज नॉट इवन अ वे में बोलूं तो आई डोंट थिंक वैसे that them retaining Glenn Maxwell is anywhere sensible shout for them anymore. We retain. Although, we are representatives of us.
Yes. For us, I don't think Glenn Maxwell gives us any sporting benefits at this point. For me, ahead of Glenn Maxwell, I'll any day put right now the names of Cameron Green and Will Jacks. Coming to Cameron Green and Will Jacks, देख एक English players की हमेशा availability पे question रहता था English and Australian players पे, लेकिन हाँ but अब ये आ गया है तो I think हमें maximum use मिल सकता है with Will Jacks and Cameron Green. Cameron Green की benefits ये हैं, pros ये हैं, भाई Australian all rounder, young guy जो हमारे काफी time तक हमारे साथ stick कर सकता है and हमने उसको recently इतना पैसा दिया भी था. He understands maybe a future captaincy profile. I think Will Jacks is the person you should be looking for. हाँ मतलब ये नहीं बोल रहा कि AB De Villiers है next भाई, ये मत understand करना. लेकिन you know कि तुम्हें अगर explosiveness चाहिए number तीन, मैं तो कह रहा हूँ भाई Will Jacks को open भी करा सकते हो तुम with Virat Kohli. वो तो इस year तुम्हारे पास option नहीं था. Will Jacks as a person, I think I know might be going underrated in the auction. तुम उसको our team host the our team को not a retention, but I think Will Jacks as a player should be staying in the franchise that he's playing for, and that is us. We should not be letting go of Will Jacks at any cost. And coming on to what do we have? Definitely, our team वापस revise भी कर लेते हैं for people who must have forgotten. हमारे पास five duplexes: Rajat Patida, Virat Kohli, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Suyesh Prabhu Desai, another uncapped one that we might discuss later. Will Jacks, Saurabh Chauhan. Then you have Glenn Maxwell, Mahipal Lomro, Karan Sharma, Cameron Green, Swapnil Singh, Mayank Dagar, and Manoj Bhandge. Then you have Kashdeep. अलजारी जोसेफ, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, टॉम करन, रीस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार एंड विजय कुमार वैशाख. आई आल्सो बी डबल एडवोकेट, ऑल्दो आई नो अलजारी जोसेफ डज नॉट सीम लाइक अ वेरी बिग वो, एंड एनी डे यू आर गेटिंग हिम लाइक आई थिंक लेस देन 11 ऑन मेगा ऑप्शन. ऑल्दो लास्ट ईयर वो 11 से ऊपर गया था. एग्जैक्टली अलजारी जोसेफ आई अंडरस्टैंड इज अ बट अलजारी जोसेफ तुम्हारा एक जो वेस्ट इंडीज रूल करते हैं ना ओवरऑल T20 सर्किट को, अलजारी जोसेफ इज अ नेम दैट इज गोइंग टू स्टैंड आउट राइट नाउ, बिकॉज़ ओवरऑल वेस्ट इंडीज का तुम T20 वर्ल्ड कप उठा के देखोगे, ही इज देयर ओनली नेक्स्ट जनरेशनल बॉलर जो इतना ज्यादा फोड़ रहा है एज अ पेसर. तो एज अ स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज आई डोंट थिंक वी शुड बी रिटेनिंग हिम, बट बाय बैक करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर अलजारी जोसेफ. हाँ आई एग्री, बट मैं तुझे बताता हूँ कि व्हाई आई एम नॉट इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स विजय कुमार वैशाख. कंप्लीटिंग माय व्हाट डू वी हैव बिफोर गोइंग टू व्हाट डू वी नीड, हमारे पास ना दो तीन वेरी इंटरेस्टिंग यंगस्टर्स हैं जो आप 4 crore में रिटेन कर सकते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेटली इज यश दयाल. मैं यंगस्टर्स नहीं अनकैप्ड बोलूंगा भाई, आजकल अनकैप्ड का मतलब बदल गया भाई. तो अनकैप्ड हमारे पास एक यश दयाल है, देन हमारे पास विजय कुमार वैशाख हु इज अ वेरी लोकल बॉलर, कर्नाटका के लिए ही खेलता है, लोकल बॉय, एंड भाई हमारे क्राउड को पसंद है लोकल प्लेयर्स, एंड हैज डन इनफ. मतलब बस आई थिंक ओवरऑल हिज आरसीबी के लिए जो स्टोंस उसने अपने लिए बढ़ा लिए थे आफ्टर ऑलमोस्ट गेटिंग देम दैट केकेआर विक्ट्री. हां ऑलमोस्ट देन वो एंड उसके बाद यू हैव वन मोर नेम इन फॉर्म ऑफ कौन सा नाम क्या तीसरा ये महिपाल लोमरो, स्वप्निल्स या फिर अनुज रावत. बट आई डोंट थिंक एक उनका सेंस बनाता है रिटेन करने का 4 crore में. अगर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपनी बोलिंग जिसको हम पे इतना क्रिटिसाइज करा जाता है कि आरसीबी की बोलिंग नहीं है, अगर मैं अपनी रिटेंशन लिस्ट में ही 2 bowler रिटेन कर लूं, मोहम्मद सिराज फॉर श्योर, एंड मैं यश दयाल या विजय कुमार वैशाख का एक ऑप्शन ले लूं, आई थिंक वी आर वेरी मच सॉर्टेड भाई. भाई आई एग्री, प्लस तुम्हारा चिन्नस्वामी में मेरे ख्याल से मोर देन लाइक स्पिनर्स तो एक्टिवेट होते ही हैं, बट तुम्हारे अगर पेसिंग वाले सरदर्द खत्म हो जाए एक तरफ
प्रॉपर पेसिंग तेरे डेथ में भी और स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं. नाउ नाउ बिटवीन व्हाट आई विल से विजय कुमार वाईशाख एंड यश दयाल, आई विल से अगर दोनों ऑप्शन में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू, यश दयाल फेचेस मोर मनी. I agree because he is closer to the Indian. I don't see like, Vijay Kumar Vaishya going for 5 crore, but I see Yashdeyal going for 5 crores. मैं ये बोलूँगा. And I won't be even surprised. And I might not be surprised कि अगर हम auction में दोनों को ही RTM कर रहे हो, मतलब अगर एक बंदा हमने RTM में डाल दिया तो हमें maximum दो कर सकते हैं. तो we might have an option दोनों को करने. RTM की बात करें तो I think a player that will be, I think either a Lomror or an Anuj Rawat is getting RTM. करते उस पे हम करने क्या वाले हैं, वी विल कम टू दैट. लेट्स नाउ कम टू व्हाट डू वी नीड नाउ. एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं करी यहाँ पे, मैंने जब टीम भी दिखाई थी, हमारा कैप्टन हम लेट गो कर रहे हैं. आई डोंट थिंक देयर इज अ डाउट इन इट कि फाफ डुप्लेसिस रिटेन नहीं होगा. पहली बात, प्राइस लैब्स, वी नीड अ कैप्टन. श्रेयांश, आर यू बैंकिंग कि मैं फाफ डुप्लेसिस वापस खरीद लूं? यार, I don't think it makes any sense for us to say कि हम ग्लेन मैक्सवेल का सोच ही नहीं रहे हैं, उसकी दूसरी ब्रेथ में हम बोल रहे हैं कि फाफ डुप्लेसिस रिटेन कर लो. अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुम फ्यूचर के लिए बिल्ड कर सको. एग्जैक्टली राधा, अगर तुम मुझे पूछेगा, मैं पाटीदार को वापस खरीद के कैप्टेंसी का ऑप्शन भी देख सकता हूँ. पाटीदार को एज अ कैप्टेंसी, आई थिंक भाई यंग कैप्टन. Yeah, I agree, but हमारे पास ना profiles बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर कि जिनको हम ये बोल सकते हैं कि नहीं तो captain नहीं. The what do we need का, I think the simple एक wicket keeper चाहिए तुम्हें. Wicket keeper and a captain. A captain and somebody that RCB as a sporting franchisee can bank and sell. That all three fits in KL Rahul. And मैं तुझे कहूँ तो RCB को एक बड़ी need क्या है right now? That is आई अंडरस्टैंड जो धोनी वाला सागा चल रहा है ना चेन्नई, वो प्रोलॉन्ग खींचे जा रहा है कि नेक्स्ट फेस नहीं ढूंढ पा रही चेन्नई विद विराट कोहली. नेक्स्ट साइकिल 3 साल के बाद आपको विराट कोहली के साथ भी स्टार्ट होने वाला है वो. Exactly. तो आपके इस मेगा ऑक्शन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप विद विराट कोहली एक नया फेस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. चाहे आप रजत पाटीदार को करो, चाहे आप कैमरन ग्रीन को करो, चाहे एक इंडियन फेस मुझसे पूछोगे तो या तो आप केएल राहुल को लेके आओ एंड यू स्टार्ट बैंकिंग की भाई आरसीबी व्हेनेवर इन गॉड सेंस 5 या 7 साल बाद विराट कोहली बोलता है कि आई वांट टू हैंग माय शूज नाउ, देन वी नीड टू हैव अ फेस रेडी हु कैन कवर फॉर इट. एंड अगर तू पूछेगा व्हाट डू वी नीड का लास्ट, फिर तू अपना ऐड कर दियो, इज मिडिल स्टेबल मिडिल ऑर्डर जो मुझे चिन्नय स्वामी में एक्सप्लोसिव कर सकता है. आई वुड, हमारे पास ना अभी ये होता था कि ये भी बैटिंग कर सकता है, वो बॉलिंग कर सकता है. आई नीड अ प्रॉपर फिनिशर. दिनेश कार्तिक जैसा रोल चाहिए मुझे जो दिनेश कार्तिक लास्ट सीजन नहीं कर पाया उससे पहले कर रहा था. तो आई थिंक हियर इज वेयर मैं तुम्हें फॉरेन ऑप्शंस बताता हूं आरसीबी के, जो मेरे को लगता है कि स्पोर्टिंग में व्हाट डू वी नीड में क्या फिल होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ फिनिशर दैट यू कैन हैव इज आई थिंक शुड बी समवन अ फॉरेनर. मतलब मैं बताता हूं जैसे एबीडी की जो चीज है ना, आई थिंक आरसीबी एज अ टीम एंड एज अ प्लेइंग फ्रेंचाइज आल्सो शुड बी गोइंग टुवर्ड्स अ एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर. मैं तो कह रहा हूँ, they should be rather looking at people like Pollard. मतलब what Pollard used to do. But Pollard is the profile key. So I agree in that. So either you build up on Cameron Green, कि Cameron Green ने कर दिया तुम्हारे लिए. Second, I think a profile that they extremely need is जो इनकी कभी fulfill नहीं हो पाई, is a spinner. Chahal returning? Not returning. I am seeing a foreign spinner coming in. Chahal जिसकी जगह खाके बैठा है ना अभी squad में. I think Zampa is coming for RCB. It fits all of the brackets. Option में क्या होना है? That will be a separate video. तो I think what do we need? मेरे ख्याल से तुम्हें एक international spinner चाहिए. And I think अरे captain चाहिए सबसे पहले. अरे captain चाहिए. तो middle order batsman, captain, wicket keeper, हमें ये सब चीजें चाहिए. उसके हिसाब से हम attention करेंगे. Now moving on to the most important question, जिसके लिए तुमने video click करी थी. What are we going to do? Or what we will do? Shreyansh, पहले retention 18 crore Virat Kohli. Second detention, I think we both agree on is Mohammad Siraj for 14 crore. My personal choice as a financier sitting out here, मैं तुझे बोलूँगा 120 crore का bracket है ना? तूने 18 और 14 crore, तूने 32 crores already लगा चुका है. तो तेरे पास बचे 88 crore. I'll say, बाकी most of the teams ना tempt होंगी 30-11 crore की detention के लिए. तो तू अपना, हम अपना पैसा waste नहीं करते. We go with a higher salary bracket.
4 crore में जेएस दयाल को बोलते हैं रिटेन होने को। आई विल कॉल हिम, अगर वो मान जाता है बिकॉज लास्ट ईयर उसको ज्यादा पैसा मिला था, अगर वो मान जाता है रिटेन होने के लिए तो जेएस दयाल रिटेन करते हैं, वरना विजय कुमार वाइशाख को लेके लेट्स कंप्लीट द इंडियन 3 कोटा वाला एंड विद एन अनकैप्ड प्लेयर वाला, बाकी सबको लेंगे आरटीएम पे। आई अंडरस्टैंड विल जैक्स कैमरन ग्रीन, आई अंडरस्टैंड एज अ स्पोर्टिंग वांट टू से वी कैन नॉट absolutely it's first of all depend on the loss on cameron green i think agar hum cameron green 16 crore dene ke liye taiyar hain to hame 11 crore mein cameron green bhi rakhna padega ya mere hisab se rtm mein saste mein aa jayega nahi mere khayal se to this is where i think difference hai tum comment section mein batao ki tumhe kya lagta hai ki cameron green tumhari third 11 crore ki retention ho rahi hai ya fir cameron green tumhara rtm ho raha hai chal agar main tera point manu ki hum 4 retention kare fir then 32 हो गया 32 plus 11 43 and 47 crores together, I already did. नहीं बट या तो उसको ऊपर खिला, वही तो गलती कर रहे थे, उसको खिला रहे थे। बट वैसे बोल रहा हूँ कि अगर स्पोर्टिंग में देखा जाऊँ, फिर मेरा एक और चीज जो मेरी रिटेंशन में सॉल्व हो चुकी है, फास्ट पेसिंग अटैक। हाँ मतलब कि मुझे एक फास्ट बॉलर पे जो मैं हमेशा पैसा लगाता ही लगाता हूँ, वो जरूरी नहीं है, वो नहीं होगा। ठीक है, अगेन आई एम थिंकिंग ऑफ स्पोर्टिंग फ्रेंचाइजी, हमें ये सेंसिबली करना चाहिए। तो आई थिंक हम 70+ crore में कहीं जा रहे हैं, हम कितने करोड़ में चले गए? ठीक है, हमने 47 करोड़ लगा दिए, 73 करोड़ में तू कह रहा है कि we should be entering the auction, right? Yes. And I think that must be enough to, देख मैं तो बताता हूँ, 73 में से तो major budget जाने वाला है, captain ढूंढने के लिए, and उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढने के लिए, and getting back रजत पाटीदार, it is going to be expensive. Getting back Will Jacks is going to be expensive. पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें वहां थोड़ा खर्चा होगा, but what I say is इसी के साथ जाते हैं। Finally, at the last of it, 18 crore Virat Kohli, 14 crore Mohammad Siraj, 11 crore Cameron Green, 4 crore Yash Dayal, baki sab RTM mein. RTM kaun hai tumne suni video mein? Meri preference is RTM ki will be Will Jacks. And second, to be honest, saste ki RTM hone wali hai. I think saste ki RTM jo sakti hai. I think an Anuj Rawat or Lomroor. Yeah, because of Dinesh Karthik. I'm saying कि हम दिनेश कार्तिक को कितना भाव दे रहे हैं, because दिनेश कार्तिक would love to groom अनुज रावत, would love to groom लोमरो। तो मैं कह रहा हूँ तो उसपे आरटीएम वेस्ट मत कर, तो बाकी टीम देंगे, हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, अनुज रावत के लिए ऐसे बाकी टीम ले जाएंगे। I think लोमरो will be going for a good price in the auction। उसके अलावा मैं विजय कुमार वाइशाख्स एंड अदर्स पे डिपेंड करूंगा कि मैं उनको डाल दूं, या मे बी इवन गेटिंग अ फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ या फिर टॉम लॉकी फर्गसन। अगेन अल्जारी जोसेफ आई एग्री शुड बी गेटिंग बैक, बट कितना वो प्राइस पे डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से। हां मैं टॉपली भी कैन बी अ वन जो हम बाद में ले सकते हैं, या फिर अगर अगर मैक्सवेल साइड प्राइस पे मिल रहा है हमारी, देखो हमें ऐसा प्लेयर तो चाहिए मिडिल ऑर्डर में। सॉरी रजत पाटीदार, भाई कैन नॉट फॉरगेट रजत पाटीदार, वो भी चाहिए। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टीम। कौन सी टीम चाहिए प्लीज उसका भी नाम कमेंट में डाल दो। कमेंट विद द मैक्सिमम लाइक्स उस वाली टीम का करेंगे, एंड तो कमेंट सबसे ज्यादा रिपीट भी हो रहा होगा। एंड क्या तुम्हें लगता है जैम्पा कैन बी देयर नेक्स्ट चहल? वाज दैट या फिर केएल राहुल टू आरसीबी, बता दो। केएल राहुल, लेट्स गो।